थोड़ा दिखाई सी आज यार मेरे को समझ में नहीं आया, सुबह 45 मिनट की वीडियो कैसे बन गई और रिकॉर्ड भी हो गई भाई। 45 मिनट पढ़ाया होगा आपने? अबे पढ़ाया तो होगा पर कब बंद हो जाती है ना ये, या तो स्टोरेज फुल हो जाती है या गर्म हो जाता है। अभी बैटरी सुबह बैटरी भी जाता था, सुबह बैटरी ज्यादा तभी गर्म होता है। छिछोरे में वो नहीं होता उसका दोस्त जो साइड होता रहता है, देखिए किसी ने तो वो ट्रेन में पी नहीं रहा था पानी के बोतल में मर के माँ, देखिए किसी ने ना तो उसका नाम क्या होता है यार, अरे जो बुकों के पीछे रखता है तभी तो भाई सुबह जीतू से पानी मांग रहा था भाई, नहीं जूठी हो गई बच्चे के साथ कर रहा था नहीं भाई जूठी हो गई, अरे जीतू जीतू साइड की तो नहीं होता दारू किसने बोला देख हाल तो मैं सच बता दिया उसने, ठीक है संजय अपने घर की बात बता रहे हैं, ठीक है अरे सुनो छोड़ो छोड़ो जो भी ना पी लो है थोड़ा कम सेट हो जाओ कम सेट हम पढ़ाते हैं आगे, हम पहले क्वेश्चन देखते हैं एक मिनट तुम मत देखो कोई और देखा बंगाली का बुक नहीं लाया तू नहीं लाया वो कौन सी मैंने सांस को वापस ले लिया मैंने सांस को वापस ले लिया चलो इसका हम करते हैं रैंडमली एक चुनता हूँ 47 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है क्वेश्चन नंबर 47 कर रहे हैं हम, सारे के सारे 47 पढ़ेंगे, इसमें 1.87 पेज है पर आपको शायद 2.87 होगा, बुक खोल ले तो लाए हाँ फिर बुक खोल ले जो जो बुक लाए भाई विपिन भाई बुक इन्हें पास कर दिया कंपनी है भैया इसकी, अरे कंपनी लाया है कोई नहीं बोल देखो पेज नंबर बताओ वैसे में तो 1.87 तुम देख लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, ठीक है ये वाला टॉपिक खोलो 47 क्वेश्चन नंबर 47 वरना मैं पढ़ देता हूँ ढूंढ लो एक बार। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1 में वो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉसेज, ठीक है समझ आ गया। ऑन 1 अप्रैल 2017 की बात हो रही है, देयर कैपिटल्स वर ए 50,000 और बी 30,000, ए की कैपिटल 50,000 है बी की कैपिटल 30,000 है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 दे अर्न्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 50,000, नेट प्रॉफिट दे दिया है तो हमें एक बात पता चल गई पी एन एल अप्रोप्रिएशन जरूर करना, ठीक है। बट हमने एक केस पढ़ रखा है कभी कभी क्या होता है प्रॉफिट कम होता है और अप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है तो हमें चेक करते हुए चलना है सब कुछ, ठीक है। प्रॉफिट है 50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर एनम, 6% देना है तो 50,000 का 6% हो गया 5 6 3000 और 3 का हो गया 3 6 1800, 3000 और 1800 हो गया 4800, ठीक है प्रॉफिट बराबर है। ए विल गेट अ कमीशन एट द रेट 2% ऑन टर्नओवर, ये क्या लिखा हुआ भैया, टर्नओवर का मतलब होता है टोटल सेल्स, याद रखना टर्नओवर का मतलब क्या होता है टोटल सेल्स, ठीक है। टर्नओवर के मतलब अलग अलग होते हैं, जैसे बिजनेस स्टडी में आप 12th में पढ़ोगे टर्नओवर का मतलब होता है जब एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाता है ना उसे भी टर्नओवर कहते हैं, ठीक है। पर हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ना, अकाउंट्स में टर्नओवर का मतलब क्या होता है सेल्स, टोटल सेल्स। तो ए को खाली ए को, ठीक है खाली ए को कमीशन मिलेगी जो भी टोटल सेल्स हुई उसका 2%, अब ये इसमें तो सेल्स देने लगी क्या पता आगे दी वो अभी चेक कर लेते हैं। बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, किसको मिलनी है सैलरी खाली बी को, तो ये सब देखते हुए चलना है कि किसको क्या मिल रहा है, ठीक है। तो 500 पर मंथ हो गई तो साल की कितनी हो गई 7200, तो 8000 12
बी विल गेट आ, देखो पहले ए को कमीशन मिल रहा था, ध्यान से सुनना, पहले ए को कमीशन मिल रहा था, अब बी को कमीशन मिल रहा है 5% ऑन प्रॉफिट, 5% मिल रहा है प्रॉफिट पे, बट प्रॉफिट क्या है वो 50,000 जो है, बट एक और चीज लिखी हुई है, बट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, इसका मतलब क्या है, उसको उस प्रॉफिट पे कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट दे रखा है, एक तो साफ बोल देता, देखो एक तरीका क्या होता है, उसको 5% कमीशन मिलेगा प्रॉफिट पे, ठीक है, दूसरा तरीका अब जो इसने बोल रखा है, उसको 5% कमीशन मिलेगा किस पे, प्रॉफिट पे, पर कौन से प्रॉफिट पे, जो सब कुछ डिडक्ट करने के बाद आए और खुद की कमीशन डिडक्ट करने के बाद, मतलब आफ्टर चार्जिंग दे रखा है इसमें, ठीक है, तो आफ्टर चार्जिंग हमने क्या पढ़ा था, 5 लिखा हुआ ना, तो 5/105 करेंगे, ठीक है, अभी मैं करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, पार्टनर्स ड्रॉइंग फॉर द ईयर 8,000 और 6,000, ठीक है, पार्टनर की ड्रॉइंग कितनी है, 8,000 और 6,000, ठीक है, टर्न ओवर फॉर द ईयर वॉज 3,00,000, 3,00,000 का 2% किसको दे देंगे, ठीक है, आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, दो अकाउंट बना लें, फिक्स कैपिटल तो नहीं है पार्टनर्स की, नहीं है तो हम आराम से कर लेंगे, ठीक है, आप सिंपल से हमें बोल रहे हैं भैया ड्रॉइंग्स तो हमें दे रहे, क्या क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहीं दिखी आपको, क्या कोई परसेंटेज दिखी, नहीं तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज ही नहीं करते होंगे, साफ सी बात है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड और 31 मार्च 2017-18 जो भी आपके बुक में वो लिख देना अपने हिसाब से, ठीक है, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, ठीक है, अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा, डेबिट क्रेडिट दो पार्टनर है तो दो कॉलम बनेंगे ए और बी, दो पार्टनर है तो दो कॉलम बनेंगे ए और बी, भाई पर्टिकुलर का कॉलम पर्टिकुलर, ठीक है, इतना सबने कर लिया, अब स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले फिर से देखो एक बार आपको हमेशा पेपर में भी ऐसे करना है, एक बार ऊपर ऊपर से रीडिंग करनी है, देखना है कि आपको ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, ठीक है, जैसी आपको समझ आ गया कि मेरे को इस पॉइंट इस वाले क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं है या फिर कोई अटपटा नहीं लग रहा है तो आपको ये करना चालू कर देना, आप जो चालू कर रहे हो ना अभी, देखो मैंने ऊपर ऊपर से रीडिंग मार दी, अब मैं पूरी थॉरली रीडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर्स 3:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो मैंने एक छोटी सी जगह लिख दिया 3:1 ताकि मैं भूलू ना बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत ना, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2017 देयर कैपिटल्स वर 50,000 और 30,000, 50,000 और 30,000 कैपिटल है ना दे रखा है, तो हम कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बी डी, ए की कैपिटल है 50,000 और बी की कैपिटल है 30,000, इतना समझ आया, किसी कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है, जैसी कैपिटल हमने लिखी, नेक्स्ट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018 दे अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 50,000, नेट प्रॉफिट आ गया 50,000 का, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना आ गया 50,000, ठीक है, नेक्स्ट दे अर्न प्रॉफिट ऑफ 50,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है 6% पर एनम, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटते हैं, तो क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको जाएगी, ए कैपिटल को जाएगी और बीस को भी जाएगी, ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट, इसको जा रही है 5,63,000 और 1,800, तो टोटल कितनी हो गई 4,800, यहाँ पे लिख दी, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी कैपिटल बढ़ाती है ना, तो जो चीज़ बढ़ाती है वो किस साइड आती है, क्रेडिट साइड, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको कितनी मिली है, इसको मिली है 3,000, इसको मिली है 1,800, ठीक है, ए को मिली है 3,000 और बी को मिली है 1,800, लिख दिया हमने, अब नेक्स्ट ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर, हमें पता चल गया टर्नओवर है 3,00,000, 3,00,000 का 2% कितना होगा 6,000, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू कमीशन, कमीशन दो लोगों को मिल रहा है, किस किस को मिल रहा है, पहले मिल रहा है ए को फिर मिल रहा है बी को, ठीक है, पहले मिल रहा है ए को फिर बी को, ठीक है, बस बी का थोड़ा टिपिकल है वो हम लास्ट में निकाल देंगे, ठीक है, तो ए को मिल रहा है 6,000, अभी लिख नहीं रहे उधर क्योंकि जब दोनों का निकाल देंगे तब लिखेंगे, ठीक है, कमीशन मैंने साथ में इसीलिए लिख दिया क्योंकि फिर साथ में लिखने भी हो जाता है ना, वरना नीचे फिर से कमीशन की हेडिंग डालेंगे हम, ठीक है, जरूरी नहीं है आप साथ लिखो, आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले एक ही कमीशन निकाल दो फिर लास्ट में बी की कर दो, कुछ ऐसे जरूरी नहीं, ठीक है, नेक्स्ट बी को सैलरी मिलनी है 500 पर मंथ, बी को सैलरी मिलनी है 500 पर मंथ, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे टू सैलरी, या फिर आप मैं एक तरीका बताऊँ तो यहाँ पे लिख दो टू बी सैलरी, बी लिख दो, आपको 20 कैपिटल अकाउंट लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
ठीक है, एक शॉर्ट तरीका है, 500 पर मंथ है तो 500 इंटू 12 कितना हो गया 6000। तो बी की कैपिटल इससे बढ़ जाएगी सैलरी से, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बाय सैलरी। ए पे भी 6000 और बी पे भी 6000 ना, है ना, ए पे भी 6 और बी पे भी 6, खाली बी को मिल रही है ना सैलरी, तो ए को तो कुछ नहीं मिलेगा, बी को खाली 6000। ठीक है, अब देखो अब वही बी की कैपिटल की बात चल रही है, पर उसके बाद एक और है कि ए ने 8000 ड्रॉइंग्स करी है और बी ने 6000 ड्रॉइंग्स करी है, तो ड्रॉइंग से हमारी कैपिटल कम होती है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें देने का की तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे लिख देंगे 2 ड्रॉइंग्स, ये 8000 कर रहा है और ये 6000 कर रहा है। ठीक है, हमने पूरा कर लिया, सिर्फ एक चीज बचा है हमारे पास, वो कमीशन वाली चीज। ठीक है, तो इसके लिए हम जाएंगे वर्किंग नोट, इतना याद रखना जो भी तुम्हारा अगर 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना, 2 से 3 वर्किंग नोट तो तुम्हें बनाने पड़ेंगे। वर्किंग नोट 1 पे जा रहा है किसकी कमीशन निकालने के लिए, 20 की कमीशन। तो हमें क्या बोल रखा है पता है, हमें बोल रखा है कि 5% कमीशन मिलेगा इसको नेट प्रॉफिट पे, पर बट कौन सा नेट प्रॉफिट, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। सच कमीशन का मतलब होता है खुद की कमीशन काटने के बाद भी, इसकी कमीशन निकाल पाए हो आप? मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है, मैंने सबको पैसे दे दिए 100-100 रुपये, ठीक है, मैं मतलब 100-100 नहीं, इसको 50, इसको 100, इसको 75, इसको 20 रुपये, इसको 10 रुपये, ठीक है, मैंने भाई को बोला तू गैस कर करो कितने पैसे दे, ठीक है, और फिर मैंने उसको कैलकुलेशन करने का तरीका भी बता दिया, मैंने बोला तेरे को इन मेरे पास है 100 रुपये बढ़े थे, मैंने नहीं 100 नहीं 1000 रुपये बढ़े थे, इनके सबके पैसे काट दे, मैंने बोला ध्यान से सुनना, मेरे पास 1000 रुपये बढ़े थे, इसमें से सबके पैसे काट दे, ठीक है, और उसमें से जितने बचेंगे उसका 10%, उसका 10% तेरी ही पैसे काटने के बाद तेरे को मिलेगा। ये बोले भैया मेरे पैसे तो बताओ तभी तो मैं अपने पैसे भी काटूंगा, फिर से समझना, ये अतरंगी चीज़ है, ठीक है, इसीलिए तो फॉर्मूला बनाए, मैंने बोला सबको मैंने पैसे दे दिए, अलग अलग पैसे दिए, मैंने बोला अब तू अपने पैसे निकाल, ठीक है, तो इसको पैसे निकालने के लिए क्या बोला, मेरे पास है 1000 रुपये, 1000 रुपये में से पहले सबकी कमीशन काट दो, बोला भाई सबकी पता है मेरे को, मैंने सबकी कमीशन काट दी, अब मैंने बोला तू अपनी कमीशन भी काट दो और उसका 10% मिले, हैं, अपनी कमीशन भी काट दो, यार मेरे को तो पता ही नहीं है कमीशन, तभी तो आपने मेरे को बोला अपनी कमीशन फाइंड कर, ठीक है, तो तभी आफ्टर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट आया, आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता ही यही है कि मेरी भी कमीशन काटने के बाद जो पैसा बचेगा उस पे मेरे को कमीशन मिलेगी, है, अब मेरी कमीशन कैसे, तभी वो फॉर्मूला बना 5/105, ठीक है, वो ऐसे ही निकालता है कमीशन, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब ऐसा बोल रहा हूँ ना आफ्टर चार्जिंग तो इसमें लिखा नहीं है, इसमें लिखा है इंक्लूडिंग सच कमीशन, सच कमीशन का मतलब है कि सारे एक्सपेंस तो काटने ही काटने हैं बट अपनी कमीशन भी काटने साथ में, तो भाई बी की तो कमीशन पता ही नहीं है हमें, तो ऐसा कुछ लिखा हो ना तो समझ जाना है आफ्टर चार्जिंग का केस है, और आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होता है, ये जो 5 है ना, इसकी 5% है, ये हम कैसे लिखेंगे 5/105, ठीक है, और अगर 10 होता तो 10/110, 20 होता तो 20/120, ठीक है, तो यही है कमीशन निकालने का तरीका, एक होता है बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग में जैसे हम नॉर्मल परसेंटेज निकालते हैं ना वैसे ही निकाल देते हैं, और आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है जितना ऊपर होगा ना उतना नीचे 100 में प्लस हो जाएगा, अगर मान लो ऊपर 100 हुआ तो नीचे कितना हो जाएगा, माउंट बताओ 200 हुआ ऊपर तो नीचे कितना हो जाएगा 400, मतलब जितना ऊपर होगा उतना नीचे प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो इसे कहते हैं आफ्टर चार्जिंग। तो नेट प्रॉफिट में से हमें घटाने सारे एक्सपेंस, बताओ कौन कौन से एक्सपेंस कर लिया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लिया, कमीशन कर लिया एक ही, ठीक है, और सैलरी ले लिया, तो इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कट जाएगा, कमीशन ऑफ ए कट जाएगी, और क्या कट जाएगा सैलरी कट जाएगी, और साथ में किसकी कमीशन कट जाएगी, बी की कमीशन भी कट जाएगी, तो बी की कमीशन निकालना बहुत मुश्किल है, तो हमने हटाया, हमने बोला भाई इसकी जगह क्या लिख दो 5/105, क्यों, ये होता है आफ्टर चार्जिंग, जब हमें खुद की कमीशन ही पता नहीं होती और खुद की कमीशन ही काटनी होती है, इसको ही कहते हैं आफ्टर चार्जिंग, ठीक है, अब करना चालू करते हैं भाई, 5/105 है इंटू नेट प्रॉफिट कितना है 50000, 50000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है 4800, माइनस इसकी कितनी है 6000 और 6000, ठीक है, 6, 6, 12, 12 और 4, 16, 16, 800 में से 200, 3000 और 30000, 33200 रुपये बचे, इसका 5/105 कर दो, ठीक है, ये कितना आया 2, 1, ठीक है, 7 से जाएगा
सेवन फोर जाए 28, 28 में से बचा 52, 52 आता है, 7 एट जा 56, 7 आएगा। तो अगर हमने 21 से घटाने की कोशिश करी इसे तो 21 बन जाए 21 और फिर बचा हमारा 12, 122, तो 21 42 42, 63 63, 45, 105 नहीं, 105 और 22 में नहीं जाएगा, ठीक है, इससे घटेगा, देखना इसे निकाल के देखो कितना आ रहा है, कैलकुलेटर ही बोल रहा हूँ, निकाल के देखिए, याद आ गया बेवड़ा, अपना प्रसिद्ध नाम है, क्या है ना 33,200 को 21 से डिवाइड करा ना, कितना 1580.95, 1580.95, ठीक है, 1581 लिखते हैं, ठीक है, तो हमने क्या करा, इसे 1581 लिखते हैं।